हाय एवरीवन, सो आज हम लोग बनाने वाले हैं मशरूम कढ़ी। हम लोग मैदा से इसको अच्छे से स्क्रबिंग कर लिए हैं। इसको बोलते हैं मिल्की मशरूम। तो हम लोग अपने हिसाब से इसको मीडियम पीस में कट कर लिए, क्योंकि कढ़ी जब बनाते हैं तो इसका थोड़ा श्रिंक हो जाता है, साइज़ छोटा बन जाता है, तो इसलिए हम लोग मीडियम पीस में इसको रख रहे हैं। ये सारे कटिंग का जो भी प्री कुकिंग का जितना भी अरेंजमेंट्स है, ये सब मेरी बहन ने की है और कुकिंग का प्रोसेस मैंने बनाया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट पे बताओ, कुछ भी बताना है कि कैसा लगा है वीडियो। चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। तो फिर चलते हैं। गरम कढ़ाई में हम लोग तेल डाले पहले। तेल जब गरम हो जाएगा उसके बाद आपको जीरा डालना है। आप काला जीरा भी डाल सकते हो, तो हम लोगों ने सफ़ेद जीरा डाला है। जैसे गरम हो जाएगा फिर उसमें प्याज डाल दीजिए। गरम प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कीजिए जब तक ये ब्राउन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि अब इसका हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे जब तक ये मसाला इसके साथ अच्छे से एक सॉफ्ट पेस्ट बन जाए। फिर इसमें एक एक करके हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालना है। आप चाहे तो गरम मसाला अभी डाल सकते हैं, या तो कुकिंग के एकदम एंड में भी आप इसको डाल सकते हैं। हल्का सा लाल मिर्च पाउडर सिर्फ कलर के लिए हम लोग डाले। सबको अच्छे से मिक्स किए। जब मसाला अच्छे से बन गया है तो अब इसमें टमाटो डाल लिए। टमाटो डालने के बाद इसको फिर से मिक्स करना है। टमाटो जब मेल्ट हो जाएगा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हम लोग इसमें नमक डाल के हल्का सा धीरे धीरे पानी डालना है और इसको ऐसे मिक्स करते रहना ताकि इसका इसका एक सॉफ्ट पेस्ट बन जाए। फिर धीरे धीरे एक एक करके आप मशरूम को डाल दीजिए ग्रेवी में और इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। ध्यान रहे कि मशरूम ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको टॉस करना है और मशरूम को अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको लेवल के हिसाब से पानी देना है और इसे कवर करके हर 2-3 मिनट में आपको चेक करना है जब तक ये ऐसा सुंदर से ग्रेवी ना बन जाए। जैसे ये ग्रेवी बन गया है आप देख सकते हो, बहुत अच्छा ग्रेवी बन गया। इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा था। हम लोग पहले से काजू बादाम का पेस्ट बना के उसको पानी के साथ मिला के इसे लिक्विड बना लिए थे। उसको ऐड कर देना है लास्ट में। वो हमारा प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग ने ऐड किया है। आप चाहे तो इसको नहीं भी कर सकते हो। इसको फिर से 2 मिनट के लिए कवर करके रखना और ये हमारा मशरूम कढ़ी रेडी हो गया। देखने में भी ब्यूटीफुल है और खाने में भी बहुत अच्छा बना है।